हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप सो आप लोग सब ठीक होंगे। और पिछला वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। और आज मैं जा रहा हूँ मूवी देखने के लिए थिएटर, जो कि है नैनी सैनी पे। अपना पहले ही बता दिया मैंने आपको, तो लेट्स गो, देखते हैं कौन सी मूवी लगी है। वैसे लगी तो RRR है, तो होप सो लगी हो अभी, क्योंकि अभी बज रहा है 4। तो लेट्स गो, मिलते हैं आपसे आगे। सो फाइनल हम लोग पहुँच गए हैं रॉयल सिनेमा हॉल के पास पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और मूवी है 5 बजे से स्टार्ट, अभी हो रहा है 4:25, तो हमको पूरा आधा घंटा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो लेट्स गो, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले गाड़ी यहाँ पे पार्क करना, उसके बाद यह है अपना रॉयल सिनेमा हॉल और मूवी लगी है ये RRR। तो लेट्स गो इनसाइड, लेट्स गो। ये लोग यहाँ पे मेरा वेट कर रहे हैं गाइस। इतना सारा सामान है मेरे हाथ में, ये देखो पर्स। सो फाइनली यहाँ से टिकट कटा लेते हैं पहले RRR का। हेलमेट यहाँ पे रख दिए हैं और यहाँ से एक बैच ले लिया है। सो फाइनली हो चुकी है चेकिंग वेकिंग पूरी, जेब वेब चेक कर लिया। सो हमसे बोला है कैंटीन में वेट करो, सो हम चलते हैं कैंटीन में वेट करते हैं। लेट्स गो कैंटीन। दिस इज सो फेमस, यहाँ पे लाखों लोगों ने फोटो खिंचाई है, शायद अभी मैं भी खिंचा लूँ। और यहाँ पे है अपना कैंटीन। यहाँ पे चल रहा है फोटो शूट। सो वी आर डिसाइडिंग टू ईट समथिंग हियर। और भाई ये बच्चा रो रहा है गाइस, चेक आउट द प्राइस। सो गाइस आवर मूवी इज गोइंग टू स्टार्ट। तेरी बेटी का गाना सुनकर कुछ इनाम दे रही है, आठ ले लोगे। सो यहाँ पे हो गई अपनी मूवी पूरी ख़त्म, और अब हम जा रहे हैं घर को। और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है, शायद 8:30, 8:42 टाइम हो गया है, तो अब चलो घर को चलते हैं। सो गाइस दिस इज द सेकंड डे। कल मैं थोड़ा लेट आया मूवी देखने से, तो उसके बाद व्लॉगिंग नहीं कर पाया। मूवी वॉज टू ऑसम यार, कई ज़्यादा वाला मज़ा आ गया मूवी देख के। थिएटर में तो और ज़्यादा मज़ा आया, तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपने जाना है तो आप जा सकते हो RRR मूवी देखने के लिए। 25 तारीख तक लगी है वो मूवी, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया उसको देखने में। और लेट्स गो, अभी मैंने जाना है कॉलेज, उससे पहले मैंने जाना है मल्लिकार्जुन स्कूल के पास, थोड़ा काम है। तो लेट्स गो, मिलता हूँ आपसे आगे। गाइस ये देखो बुढ़िया रानी आ गई है, और देखो क्या लेके आई है अपने साथ, ये मच्छरदानी। क्या है ये? कैन है वो। कैन क्या होता है ये? लांचे में लगते है। अच्छा, मुझे तो लगा मच्छरदानी है ये। शादी के बाद पता चलेगा। चलो शादी के बाद पता चलेगा, बोल चलो फिर बैठो। तो चलते हैं हम लोग यहाँ से। गाइज यहाँ तो गाड़ी पार्क करने के लिए भी जगह नहीं मिली, मैं यहाँ पे आया हूँ गाड़ी पार्क करने के लिए इतने दूर। तो लेट्स गो, चाची वहाँ पे खड़ी है। आज है रिजल्ट डे भाई, अपने स्कूल की याद आने लग गई अब मुझे। कौन सी क्लास? सो फाइनली वी एंटर्ड इन स्कूल। यहाँ पे फुटबॉल खेला करते थे कुछ टाइम पहले। फाइंडिंग 6 ए मिली नहीं रही है। So finally we got the class. इसका रिजल्ट लेने आए हम। यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है अपने स्कूल की यार। सिया पास हो गई, इधर देख तो। सिया पास हो गई तो। नमस्ते, ठीक हो? ये रहा यार रिजल्ट दिखाना है। है नहीं तो इसका तो फिर पब्लिक करेंगे। गाइस देख लो, जल्दी देख लो, चाची दिखा नहीं दी है। इस तरह तो फाइनली यहाँ से चलते हैं, मैंने जाना है कॉलेज, चाची को
घर छोड़ के आना है पहले, उसके बाद चलते हैं। घर छोड़ के कहाँ आता हूँ, टेलर के पास जाना है। अरे यार ये मच्छरदानी देने जाना है कहीं, छी दिमाग खराब। चलो फिर छोड़ के आते हैं। फाइनली रिच बिस्ट हॉस्पिटल के पास पे। सो गाइस फाइनली हो गया सारा काम, अब चाहते हैं कॉलेज को। खाना बाजार से पैक करके ले जाओ आज। नहीं खाती मैं तो खा लूँगा। गाइस देखो कैसी बेइज्जती कर रही है मेरी। तो चलो कॉलेज, सीधा कॉलेज। अब गाइस ये ताती का भी हेलमेट भी डाल के रखी है सर ने। हमने अभी डाला है मैंने। अरे सर इनको मेकअप भी चाहिए होता है। मुझे मेकअप नहीं चाहिए, मुझे अच्छा एक हेलमेट ऐसा है, ये अच्छा अच्छा होता ना। एक ये भी भूपेश की मेहरबानी हो रही है, वो मांग ही नहीं रहा है अपना हेलमेट। तो मांग नहीं रहा करके आप मतलब उसके पास होगा तभी नहीं मांग रहा है ही, उसको पता है कंटम है बिल्कुल। ये निकल जाता है गाइस, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक अंदर से थर्माकोल निकल जाती है और बाहर सर में थर्माकोल। और आज तो ही जाना चाहिए मेरा असाइनमेंट जमा, क्योंकि आज मैं चाचू को लेके आया हूँ अपने साथ। तो चलो देखते हैं होता है या नहीं होता है। खोलना तो उसके अंदर तेरे जूते में होगी फाइल। वाले अंदर जमा होती है मिलिट्री की फाइल, चलो जमा करके आते हैं। आओ ना यार चाची। सो फाइनली मैं आ चुका हूँ घर। मेरा आज भी कोई काम नहीं हो पाया, लेकिन जो मूवी थी ना वो एक नंबर की मूवी थी यार। काफ़ी ज़्यादा मजा आया उस मूवी को देखने में। आपको बोलूँगा कि आप वो मूवी देखो, वो है फ्रेंडशिप के ऊपर। कई ज़्यादा मजा आया उस मूवी को देखने, तो लेट्स गो अगर आपको जाना हो तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग पे। थैंक यू।